बॉलीवुड में कई सालों से ऐसी मूवीज बनी है जिन्होंने सरदर्द के अलावा हम ऑडियंस को और कुछ नहीं दिया है। पर अगर बॉलीवुड की 99 मूवी बेकार होती है तो आखिरी एक मूवी बेहतरीन होती है, और इन बेहतरीन मूवी को देखने के बाद हमारा दिल कहता है दुनिया से कहो कॉपी द। मलंग मूवी भी इन मूवीज में से एक है। ऑनेस्टली कहूँ तो पहली बार मैंने जब ट्रेलर देखा था तब मैं सोच रहा था कि जब मोहित सूरी ने इस मूवी के लिए आदित्य रॉय कपूर को साइन किया था तब मोहित सूरी ने आखिर कौन सा माल फूका होगा। पर मूवी देखने के बाद मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया, मैं धोखे से निकल गई, आज मैं मरी जाऊंगा भगवान। अगर थोड़ा सा एक्शन, ज्यादा रोमांस, बहुत ज्यादा थ्रिल और खतरनाक सस्पेंस और मैडनेस को मिला दिया जाए तो जो मूवी बनती है वो है मलंग। मोहित सूरी ने एक विलन का स्क्रीन प्ले इस मूवी में यूज किया है जो इस मूवी का प्लस पॉइंट है। मूवी की शुरुआत होती है एक खतरनाक फाइट सीन से, तभी एक फ्लैशबैक होता है और हम देख पाते हैं सारा और अद्भुत की लव स्टोरी। सारा एक आजाद लड़की होती है जो जिंदगी को खुल के जीने में विश्वास करती है, वही अद्भुत मुंबई में रहने वाला एक लड़का होता है जो अपने आप को ढूंढने के जानने में निकला है। दोनों एक रात एक पार्टी में मिलते हैं और दोनों को एहसास होता है कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और दोनों को लाभ हो जाता है। सीन कट होकर प्रेजेंट डे में आती है जहां हमारा हीरो अपना काम कर रहा है और बूम फिर से एक और फ्लैशबैक जहां हम देख पाते हैं कि अचानक एक एक्सीडेंट होती है और अद्भुत और सारा की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। अद्भुत को 5 साल की जेल होती है और सारा का कोई अता पता नहीं होता। जेल से निकलने के बाद अद्भुत एक सीरियल किलर बन जाता है जो पुलिस वालों को मारता रहता है। एक रात पुलिस स्टेशन में एक मिस्टीरियस सीरियल किलर का फोन आता है जो पुलिस वालों को मारने की धमकी देता है। कोई अद्भुत एक पुलिस वाले को मार देता है। पुलिस वाले अद्भुत को ही सीरियल किलर मानते और उसके पीछे लग जाते। अद्भुत को पकड़ने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर अंजनिया और इंस्पेक्टर माइकल को दी जाती है। नो एविडेंस, नो विटनेस, नो स्टेटमेंट, बस कुछ बुलेट और एक गन, बस केस क्लोज, यही है अंजनिया के हिसाब से जस्टिस। वही अंजनिया से ठीक उल्टा माइकल हमेशा कायदे कानून से काम करने में विश्वास रखता है। खैर कुछ मर्डर्स के बाद आखिरकार अद्भुत को पकड़ लिया जाता है, तभी उसी सीरियल किलर का फोन आता है जो फिर से पुलिस वाले को मारने की धमकी देता है। तो अगर अद्भुत तो सीरियल किलर नहीं है तो सीरियल किलर आखिर है कौन? मोहित सूरी ने इस मूवी को इस तरह से डायरेक्ट किया है कि मूवी की स्टोरी हमें दूसरे सस्पेंस थ्रिलर मूवी की स्टोरी की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगती और इसी वजह से हम मूवी के आने वाले सीन्स को प्रेडिक्ट करने लगते हैं। पर लास्ट सीन में जो झटका लगता है ना वो काबिले तारीफ है। मुद्दे की बात करूं तो मोहित सूरी ने हमारे दिमाग के साथ खेला है। आदित्य रॉय कपूर, कुणाल खेमूने और मोहित सूरी ने इस मूवी को बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। और बॉलीवुड के एवर यंग अनिल कपूर के एक्टिंग के बारे में तो क्या बोलना, वो अपने एक्टिंग से हमें हंसाते तो कुछ टाइम बाद हमें अपने एक्टिंग से डरा भी देते। साथ ही में गोवा के जो लोकेशन दिखाए गए इस मूवी में उन्हें भुला पाना काफी मुश्किल है। साथ ही मूवी का स्क्रीन प्ले, कैमरा एंगल, डायरेक्शन और गाने चालो कमाल के है। इस मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इसका ट्रेलर। जिसने भी इस मूवी का ट्रेलर बनाया है उसने मूवी की स्टोरी का सारा मजा खराब कर दिया। मेन सस्पेंस की तो साथ ही में दिशा पटानी की एक्टिंग काफी फीकी लग रही है और मूवी में नशे का जो एंगल दिखाया गया है, चाहे वो ड्रग का हो, एल्कोहल का हो या वेट का हो, वो काफी डिसअपॉइंटमेंट वाला है। इसीलिए 18 से कम उम्र वाले इस मूवी को ना ही देखे तो अच्छा है। सो दैट्स इट, आज का वीडियो इतने तक ही। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।